The music is given by Abhishek Amol. Choreographer is Raju Ray. Publicity is designed by Rahul Kakre. And the main artist, basically जो soul रहता है movie का, जो foundation रहता है हर project का, तो the main lead is Rohit Suryavanshi. And the female lead is Monica Rawan and Ruthvi Singh. मैं चाहती हूँ कि आप सब जोरदार तालियों से ये पूरे cast, crew, पूरी complete team का स्वागत करें. ये बहुत ही अच्छी फिल्म की शुरुआत करने जा रहे हैं. ये एक हॉरर फिल्म है, हॉरर स्टोरी है, जिसका नाम इतना कैची है, जिसका थीम इतना अच्छा है. तो बेसिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट बिल्टअप हो रहा है, क्योंकि हॉरर के लिए तो वैसे ही बहुत एक्साइटमेंट बिल्टअप होता है. द ब्लैक वॉयलिन, नाम सुन के ही मुझे तो बहुत ज़्यादा घूस पम्प्स आ रहे हैं कि कैसी होगी ये फिल्म, कैसी होगी इसकी स्टोरी. तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए. आई एम श्योर आप लोग सब भी बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे. तो चलो एक्साइटमेंट थोड़ी और बढ़ाते हैं, हाँ, और पूछते हैं हमारे कास्ट, क्रू, हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स की उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है इस मूवी के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस कैसे हैं स्टोरी को लेकर, ईच एंड एवरीथिंग. अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टीम के साथ. बहुत ही प्यारी टीम है ये, मीडिया क्राफ्ट एंटरटेनमेंट, इट्स इन एसोसिएशन विद सिंह मल्टीमीडिया क्रिएशन. एज आई सेड द मूवीज नेम इज ब्लैक वॉयलिन. जिसको एवरीवन, जो जो म्यूजिक लवर है ब्लैक वॉयलिन, जिसको बहुत ही सॉफ्ट म्यूजिक पसंद है, बेसिकली जो टाइटल है मूवी का, उससे तो आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि मूवी के अंदर क्या मसाला होगा, इजंट इट. तो इसलिए आइए थोड़ा सा अंदर की जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं इस सब्जेक्ट के बारे में, कि क्यों इन्होंने ये नाम रखा ब्लैक वॉयलिन, क्या इनको इंस्पायर किया इस फिल्म के लिए, हॉरर फिल्म के लिए, कि और क्या 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 सारे मसाले हैं इस मूवी के बारे में. तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर संजीव चौहान से. तालियां तो बजाएंगे भाई, थोड़ा एनर्जी दिखाएंगे, सब है खाना पीना सब है पीछे. तो सर आप प्लीज हमें थोड़ा सा मसाला दीजिए मूवी के बारे में, और आप आइए. थोड़ा सा हम सब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है. और हॉरर कैसा है ना, कि हॉरर देखने वाली एक पब्लिक है, एक मतलब जैसे ब्लैक वॉयलिन है, आपने सुना नाम, तो जैसे नाम बताया ना द ब्लैक वॉयलिन, तो एक माइंड में एक सस्पेंस क्रिएट हुआ कुछ है. फिर जैसे जैसे कहानी सुनी, तो एक जो विजुअल कंटेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट का, कि आप हर किसी कहानी को सुन के विजुलाइज नहीं कर सकते, लेकिन जब सुन के जब उसको विजुलाइज किया, यार ये तो पर्दे पे कुछ अच्छा लगेगा. और फिर पीछे जैसे उन्होंने बताया कि ऐसा एक म्यूजिक पीस चलेगा, अच्छा है, कर सकते हैं ऐसे. हाँ. तो एक्साइटमेंट तो अब हमारी और ज्यादा बिल्टअप हो गई हॉरर के लिए. बेसिकली आप एक नई चीज ला रहे हैं हॉरर में, ऐसे. हाँ, नया है इसमें, कुछ नया है. जैसे हम पहले हॉरर फिल्में देखते थे कि नहीं उसमें अजीब सी शक्लें हैं, डरावना सा मेकअप, वैसा इसमें कुछ भी नहीं. अच्छा, वो व्हाइट साड़ी नहीं, नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं, वो जो नहीं. वो जो राम से ब्रदर्स में रहता नहीं, था नहीं, वो नहीं, वो नहीं, व्हाइट पाउडर वाली फॉरेनर जो भूत भूत रहते थे, इसमें कोई डरावनी शक्ल वाली चुड़ैल नहीं है. व्हाइट फॉरेनर चुड़ैल नहीं है, मतलब इसमें तो हमारे इंडियंस ही है इसमें. ओके, इसमें जो हॉरर क्रिएट किया गया है वो सिचुएशन से है, सिचुएशन का हॉरर है. ऐसा नहीं कि शक्ल पे कोई, मतलब स्क्रीन पे कोई डरावना चेहरा दिखा के नहीं डराया, जो सिचुएशन है उससे डराया गया. ओके, तो बेसिकली लोगों को बहुत ज्यादा हॉरर. अगर हम अपना रियल लाइफ की भी बात करें, तो अगर रियल लाइफ में भी अगर कुछ ऐसा डरावना हमारे साथ होता या हॉरर होता है, तो हमें कोई ऐसी डरावनी शक्लें नहीं दिखती हैं, हम माहौल से डरते हैं, सिचुएशन से डरते हैं. Exactly. तो यहाँ पे वही है. ओके, तो मुझे तो अब जैसे कि इन्होंने बताया कि सिचुएशन,
तो ऐसे हमारी लाइफ में भी कितनी सारी सिचुएशंस होती है जिससे हम डरते हैं और एक्चुअली तब तो ये कुछ नहीं होता है। तो चलिए आइए थोड़ा सा और हाइप करते हैं, थोड़ा सा हॉरर को और ज़्यादा क्रिएट करते हैं, थोड़ी सी डिटेल्स लेते हैं मूवी के बारे में। इतना कैची और इंटरेस्टिंग नाम है द ब्लैक वॉयलिन, जैसे कि हमें बताया गया मिस्टर संजय चौहान ने कि मूवी का टाइटल है जो ब्लैक वॉयलिन, इससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये तो हमें थिएटर में जाके ही पता चलेगा। तो आइए अब हम बात करते हैं, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म इज प्रमोद कुमार। सो वेयर इज मिस्टर प्रमोद कुमार? आप भी बताइए कि आपने हॉरर क्यों डायरेक्शन, मतलब आपने हॉरर क्यों सोचा डायरेक्ट करने के लिए? हॉरर एक्चुअली, हॉरर थ्रिलर सस्पेंस मेरा एक पैशन है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुद को भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने इसलिए इसे चुना है। और जहाँ तक इस फिल्म के बारे में है तो अभी हम तो पूरी तरह से नहीं बता सकते कि क्या है, ये आने के बाद ही लोगों को पता चलेगा। और काफ़ी इसमें सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है और रोमांचक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना। अच्छा, इससे ज़्यादा और हमें कुछ डिटेल्स नहीं मिल पाएंगी जी। ये हॉरर मूवी है तो बेसिकली जो जो हॉरर लवर्स है या नहीं है वो टाइटल से तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे थिएटर में। यस यस, कि ब्लैक वॉयलिन है क्या, ये जरा पता करें कि ब्लैक वॉयलिन आखिर क्या है। हाँ ना जी, थैंक यू सो मच सर। आइए तो सर आप ही कुछ हमें बता दीजिए। जैसा कि आपने देखा होगा कि द ब्लैक वॉयलिन, ये टाइटल तो वॉयलिन से सीधा सा संबंध होता है संगीत से, उसकी धुन से। तो मैंने ये महसूस किया कि वायलिन की जो धुन होती है बड़ी गंभीर सी होती है, तन्हापन होता है, अकेलापन होता है, दर्द भी होता है, तो क्यों ना इस दर्द को कहानी के जरिए पिरोया जाए। कोशिश की, कहानी जाने में कुछ रिवील नहीं है फिलहाल, तो ये कहानी रोमांस से शुरू होकर हॉरर जॉनर तक जाती है। और एक बात बड़े सादगी से कहती है कि यही मोहब्बत है, यही मोहब्बत कहने का तरीका। अच्छा, तो बेसिकली जो हमारे यूथ है जो बहुत ज्यादा आजकल प्यार व्यार इश्क विश्क चल रहा है, तो ये इनपुट है। तो मैं तो कहूंगा कि फिल्म देखे और सीखे सीखे तो चलो ये फिल्म हमें बहुत कुछ सिखा भी रही है और प्यार की परिभाषा भी और दर्द भी देगी, बहुत सारा दर्द भी देगी, बहुत ज्यादा रुलाएगी भी, हंसाएगी भी, सबसे पहले डराएगी और क्या क्या कराएगी। द ब्लैक वॉयलिन, इट्स अ बिग सस्पेंस, एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है द ब्लैक, बट इतना ज्यादा पॉजिटिव आ रहा है व्हेन, क्योंकि ऐसा टाइटल कभी नहीं सुना है तो इसके वॉयलिन ही है। अच्छा, कहानी उसी से शुरू हो। ओके, तो अब रिवील नहीं कर सकता मैं कहानी, आपको देखना पड़ेगा। डेफिनेटली देखेंगे, हॉरर तो फेवरेट है। थैंक यू सो मच। तो जैसे कि हमने सुना द ब्लैक वॉयलिन में सब कुछ है, आपको ड्रामा भी मिलेगा, आप डरोगे भी, आपको लव शव के टिप्स चाहिए तो आपको वो भी मिल जाएंगे, लड़के लड़कियां जो आजकल प्रपोज नहीं कर पाते हैं वो भी ये भूत भूत का थोड़ा देख लेंगे तो फिर प्रपोज वपोज करने लगेंगे, डर के मारे ही करने लगेंगे कि चलो द ब्लैक वॉयलिन लेके पहुंच जाएंगे सीधा। तो बेसिकली आई वॉन्ट टू अनाउंस वंस अगेन, इट्स अ प्रिविलेज टू अनाउंस दैट मीडिया क्राफ्ट एंटरटेनमेंट इन एसोसिएशन विद सिंह मल्टीमीडिया क्रिएशन प्रेजेंट्स द ब्लैक वॉयलिन, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय संजीव चौहान एंड जसपाल सिंह, इट इज डायरेक्टेड बाय प्रमोद कुमार, इट इज रिटन बाय संदीप राले, द DOP इज प्रमोद पांडे, द म्यूजिक इज गिवन बाय अभिषेक अमोल, कोरियोग्राफर इज राजू रे, एंड इट इज पब्लिस द पब्लिसिटी इज डिजाइंड बाय राहुल काकड़े, एंड द मेन लीड आई वुड लाइक टू टॉक इंटरैक्ट विद द मेन लीड एंड द फीमेल लीड, द मेन लीड इज रोहित सूर्यवंशी। सो कैन आई गेट सूर्य, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। प्रोजेक्ट है, इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, इतने अच्छे डायरेक्टर्स हैं, इतने अच्छे राइटर्स हैं, टीम इतनी अच्छी है,
इट इज सो मच इंटरेस्टिंग. तो हाउ कम यू थॉट कि यस भाई कर लेते हैं हॉरर? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तरफ से सभी को गुड इवनिंग, और मैं सबका थैंक यू कहूँगा कि सब यहाँ आए हमारे लिए और फिल्म के अनाउंसमेंट के लिए. हॉरर का ऐसा है कि मेरे को भी बचपन से हॉरर का काफी शौक रहा है, और एक्चुअली हम सब इधर जो बैठे थे सब हॉरर फैंस हैं बेसिकली. हम बॉलीवुड फैंस तो नहीं है क्योंकि बॉलीवुड देख देख के बोर हो गए, अभी हम हॉरर ही देखेंगे. और इसमें क्या था कि थोड़ा नए तरीके से हॉरर को डिजाइन किया गया, और मेरे सर संजीव चौहान इन्होंने बहुत ही नए ढंग से हॉरर को दिखाने का इसमें प्रयास किया. तो मैंने करते और मैं अपने सर का और अपनी पूरी टीम का थैंक यू कहूंगा कि मेरे पे इतना ट्रस्ट किया और मुझे एक चांस इसमें दिया. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय टीम. गुड सो मच. सबसे पहले तो आप चाहे कितना भी बोल लें, डिटेल निकलवाएं, डिटेल निकलवाएं, हम लोग डिटेल नहीं देने वाले. क्यों सर? ये पहले कॉल का जोड़ है. एग्जैक्टली उसके लिए फिल्म बनेगी, फिर आपको फिल्म देखने जाना पड़ेगा और तभी ये डिसाइड होगा कि उसमें कौन है क्या है. एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग आप सब लोगों को कि आप सब लोग यहाँ पर आए एंड गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू यू नो आप सब लोगों के साथ बात करने के लिए. एंड दिस वुड बी माई फर्स्ट हॉरर फिल्म, रोमांटिक हॉरर फिल्म. So I'm very excited and thank you so much, sir, for having trust in me. And that's it. I'm looking forward for an incredible team and incredible shoot. Thank you. Incredible. Abhishek is Amol. Okay, tell me. जैसे कि हमें description भी मिला था, brief मिली थी कि इस movie के लिए. तो जो थीम था पूरे ट्रैक का, हमने थ्रिल, क्योंकि मूवी पूरी स्क्रिप्ट इसकी थ्रिल पे बेस्ड है, तो जो भी इसका साउंड या जो भी डिज़ाइन होगी साउंड की या लिरिक्स या फॉर एग्जांपल कॉम्पोजिशन, हमने बेसिकली ये सोचा क्योंकि वायलिन प्लस डार्क, वायलिन सी इट्स सच अ ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट राइट, प्लस इट्स डार्क, इट्स ब्लैक वायलिन, तो इट काइंड ऑफ सिग्निफाइज यू दैट हॉररनेस एंड काइंड ऑफ दैट फील. तो हमने वैसा सोचा कि कुछ इसको ऐसा डिजाइन देते हैं. बाकी मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, बाकी विल हैव टू वेट टिल द फिल्म रिलीज. एंड आई एम ये तो कॉपीराइट किया हुआ है, बाकी मैं बता नहीं सकती. ये तो ये लोग एकदम लेकर आए. ओके, आई जस्ट वांट टू नो कि जो बेसिकली हॉरर फिल्म है एज इट इज वेरी वेरी मच कनेक्टेड विद पेन, सो आपको वो कहाँ से यू नो वेयर दैट इंस्पिरेशन कम्स की यू नो कि दैट पेन मेन वाला थिंग, कि आपकी लाइफ में उतना पेन है? वो कोलगेट की एड नहीं थी क्या? आपके टूथपेस्ट में नमक है? हैप्पीनेस एंड सॉरो इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ राइट, दोनों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सीख सको और आगे बढ़ सको लाइफ में. तो ऑब्वियसली है, तो उसी से इंस्पिरेशन बहुत सारी मिली है. पर ट्रस्ट मी, व्हेन द साउंड ऑफ दिस ट्रैक विल कम, व्हेन द ट्रैक ऑफ एवरी ट्रैक whether it be I can't even name the genre, जिसे genre में हमने काम किया, क्या वो romantic है? हर कुछ है, romantic भी है, dance number भी है, soft romantic भी है, sad भी है, and everything. जब वो release होगा you'll come to know कि वो हर जगह बजेगा. I mean we are very confident with the music, we are very confident with the composition and with the love. Because आजकल वो बहुत ज़्यादा trend चल रहा है, people prefer pain and people prefer that soft songs and instead of the dhinja, even that is in, but mostly people prefer like this. No, a movie like this movie, aap isme you'll have to put masala, but less masala, more the soul, because it's thrill hai, aur iski jo main jo story hai wo that is based on it will get your nerves on right. तो जब तक वो आपके दिल को नहीं छुएगा, जैसा भी म्यूजिक हो, until unless it will touch your heart and soul, तब तक कोई फायदा नहीं. तो चलो हमें एक और बात पता चल गई कि this movie is gonna touch our soul. और exactly हम लोग already अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस्ड रहते हैं, तो जाकर हमें ये जो 3 घंटा जो ये रिलीफ देने वाली है ना, तो ये तो हमें डेफिनेटली जाके देखना चाहिए. यू वांट टू शेयर समथिंग? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा कि अभिषेक ने अभी कहा कि हम लोग फिल्म के म्यूज़िक को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, और हम लोग बस यही कहना चाहेंगे कि जब ये फिल्म आएगी, जब ये गाने आएंगे, तो ट्रस्ट मी इट विल ब्लो द माइंड. I definitely trust you. Producers are सामने हैं, and we really can't, and there is some restrictions and the con agreement. But when it comes, you'll love it for sure. That is for sure. Okay. Thank you so much. अब बात करते हैं हम मिस्टर राहुल काकड़े से, जिन्होंने पब्लिसिटी डिजाइन किया है. अच्छा, वो है नहीं हमारे साथ,
तो लेट मी मेक द अनाउंसमेंट वंस अगेन गाइस, जोरदार तालियों से एटलीस्ट अप्लॉड दिस ब्यूटिफुल नेम कॉल्ड ब्लैक वॉयलिन. ये सुन के ही ब्लैक वॉयलिन यू बी डेफिनेटली यू लव दिस मूवी एंड आई गिव यू द डिटेल्स वंस अगेन. Mira Craft Entertainment in association with Sing Multimedia Creation presents The Black Violin, which is produced by Sanjeev Chauhan and Jaspal Singh. It is directed by Pramod Kumar, written by Sandeep Rale. DOP is Pramod Pandey. Music by Abhishek Amol. Choreographer is Raju Ray. Publicity is designed by Rahul Kakre. Artists are Rohit Suryavanshi and Monica Rawan and Ruthvi Singh. So, Mohan ka naam hai. The PR is by Mohan Rajput. Mohan Rajput. तालियां हो जाए. आप लोग खुद ही अपने PR के लिए तो तालियां बजाइए. सर आप बताइए, आपने हॉरर क्यों सोचा, लाइक अलग से स्पेसिफिकली ये हॉरर का आपको कहाँ से आया कि यस यू शुड गो फॉर अ हॉरर मूवी? सेंटर में आ सर, सेंटर में. हॉरर पहले से ही हमें बचपन से ही पसंद है, और जब मूवी बनाने की सोची हमने तो पहले भी एक फिल्म बना चुके हैं हम द पास्ट, तो अभी भी यही सोचा कि चलो और एक हॉरर मूवी बनाई जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग टेस्ट दिया जाए, एक रोमांस का एंड म्यूज़िक का. तो वो हिसाब से इसका नाम रखा गया द ब्लैक वायलिन, जो कि काफ़ी रोमांटिक एंड म्यूज़िकल फिल्म है, और हॉरर तो रहेगा ही रहेगा. हाई एवरीवन, एक्चुअली मुझे ना हॉरर मूवीज़ बहुत बहुत पसंद है. मैं पागल हूँ उनके लिए, कैसे कि मैं डेली रात को एक हॉरर मूवी देख के सोती हूँ. डर भी लगता है बाद में, जो मूवी में देखा है वो लगता है कि आंखों के सामने आ रहा है, सपने में आ रहा है, बट फिर भी देखनी ही देखनी है. साउथ की मूवीज़ जो कि हॉरर भी होती है और कॉमेडी भी होता है उसमें, तो मैं डेली फिल्म तो देखती ही देखती हूँ. हॉरर बिना देखे मैं सोती नहीं हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा पसंद है मुझे. तो आई लव हॉरर मूवीज, मेरे में दिखती है तो देखना बहुत ज्यादा हॉरर. तो आई लव हॉरर मूवीज. तो लास्ट कौन सी हॉरर मूवी देखी थी? बॉलीवुड तो नहीं देखी क्योंकि बॉलीवुड में इतनी हॉरर मूवीज बनी नहीं है अभी. लास्ट जो देखी थी वो थी 1920 लंदन, वो ही देखी थी लास्ट. बट 1920 की भी बहुत अच्छी रही है. हाँ वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी, बट ये है कि हॉलीवुड में ज़्यादा हॉरर फिल्में नहीं बनी हैं अभी तक. तो ये ब्लैक वॉयलिन, ये तो जो इसका टाइटल है बहुत ही अच्छा है. तो मेरे माइंड में चल रहा था कि ये कैसा होगा कि एक पेड़ पे एक लड़की बैठी है ब्लैक ड्रेस में, उसकी ड्रेस लहरा रही है ऐसे और वो वॉयलिन बजा रही है धीरे धीरे ऐसे. सो पहले दिमाग में आ रहा था बहुत अच्छी जाने वाली है और मैं ज़रूर देखी, सबसे पहला शो जाऊँगी देखने में. मैं भी सबसे पहला शो भाई, मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है और पूरी टीम को यही जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया और उनको मैं थैंक यू दिल से कहूँगा. और काफ़ी हार्ड वर्क के साथ मेहनत करनी है और बस ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है. क्या है फिल्म की कहानी की बात करें? लाइन फिल्म की कहानी आप वेट कीजिए और जब थिएटर पे लगेगी तो आप सब जाएंगे देखने. किरदार क्या है, रोल क्या है? सब होगा धीरे धीरे, सब रिवील होगा. हम लोग क्या कहेंगे, सब आप सर फिल्म बनने से पहले मैं कैसे बता सकता हूँ? सब सब एक्चुअली आप देखेंगे फिल्म का टाइटल ब्लैक वॉयलिन है और पहले ही हॉरर फिल्म है तो सीक्रेट्स तो इसमें होते ही हैं. तो बेसिकली ये सीक्रेट है सर, भूत भी तो एक सीक्रेट ही है ना, कैसे बना कैसे नहीं बना अब यही तो फिल्म में आएगा सब. थैंक यू सो मच. नहीं हॉरर में सस्पेंस है तो अगर सस्पेंस निकल जाएगा तो हॉरर भी निकल जाएगा. देखिए क्या है यहाँ पे, इसमें जो हॉरर जो क्रिएट किया गया है ना वो मेनली म्यूजिक से किया गया है. तो जो डर जो ज़्यादातर फिल्म में आधी से ज़्यादा फिल्म में जो डर है जो माहौल है वो म्यूज़िक से क्रिएट किया हुआ है. और हॉरर का मतलब ये नहीं कि जैसे हम देखते थे कि डरावनी शक्लें चुड़ैल, वो हॉरर नहीं है. एक जो हम रियल लाइफ में जैसा हॉरर हम लोग फेस करते हैं, कभी कभी हम जैसे अकेले बैठे हैं और कुछ भी नहीं है फिर भी हम डरना शुरू हो जाते हैं. मान लो कमरे में अकेले बैठे हैं, कुछ दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं और हम डरना शुरू हो जाते हैं. तो उसी तरह से है कि एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट किया गया है म्यूज़िक के थ्रू और सिचुएशन के थ्रू कि आदमी को डर लगने लगता है. कुछ नहीं है स्क्रीन पे, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है फिर भी हम डर रहे हैं. तो पायल की आवाज़ आ रही है
हाँ पायल की आवाज़ हो गई, म्यूजिक हो गया, कुछ इफेक्ट्स हो गए, तो इसमें जैसे जैसे टाइटल है ब्लैक वायलिन, तो वो जो म्यूजिक है उसमें उस म्यूजिक के थ्रू ही हॉरर क्रिएट किया। टाइटल है द ब्लैक वायलिन, एक मतलब म्यूजिकल हॉरर फिल्म है, पूरी रोमांटिक है। मतलब अगर कोई इस फिल्म को देखने के बाद अगर कोई रोमांस करना चाहे तो एक बार डरेगा, बस इतना कहना चाहूँगा इसके बारे में। यार मुझसे हो गया, अब वो जब कहानी जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा और अपडेट्स आपको देते रहेंगे, लेकिन ये है कि फुल हॉरर म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है एकदम। बड़ा कैची टाइटल है। हाँ जी, तो टाइटल कैसे हुआ? टाइटल जैसा हमारे राइटर साहब ने बताया कि इसमें मतलब जो कहानी हमारी वायलिन पे ही बेस है, तो जब वायलिन है तो म्यूजिक तो होगा ही होगा, तो उसी से बेस से रिलेटेड है। बाकी ये समझिए हम सितंबर तक हमारी शो पे जा रही है, मूवी रिलीजिंग मार्च तक का। हाँ जी, इस म्यूजिक के लिए, इस फिल्म के लिए एक साल तक अपना पड़ेगा, एक साल के बाद? सर हमने सब्जेक्ट के लिए एक साल लग गया हमारे को प्रिपेयर करने के लिए, पूरा स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग्स के साथ में। तो आर्टिस्ट वगैरह ये तो हमारे साथ नॉन फेस वगैरह है यार? अभी उस पर वर्कआउट चल रहा है, नॉन फेस ले रहे हैं, उनसे बातचीत चल रही है कई आर्टिस्टों से, दो तीन जन से, तो जैसा कुछ होगा तो वो भी बता दिया जाएगा कि कौन ले रहे हैं। बाकी तो सर में लीड में है और एक आई हुई है मोनिका रावण, और सेकेंड लीड भी आ चुकी है मेन लीड में। बाकी उसके लिए तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फॉर दैट यू हैव टू वॉच द मूवी, एंड बस यही है, एक खूबसूरत सा रोमांटिक लव स्टोरी विथ हॉरर है, बट कुछ डिफरेंट, सम थिंग्स डिफरेंट। कैसे फिल्म मिली आपको? हाँ, ऑडिशंस के थ्रू ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले क्या किया? इसके पहले भी मैंने सीरियल्स किए हुए हैं काफ़ी। आई डिड माइथोलॉजिकल सीरियल्स, वेब सीरीज, शॉर्ट मूवी, आई हैव एक्सपीरियंस। मैं आप लोगों में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ही देखूंगी। हाय, फिल्म एज ए नेम आप लोगों को बता ही रहा है कि इट्स अ हॉरर फिल्म, एंड मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ हॉरर फिल्म्स की वैसे भी, और दिस वुड बी माई फर्स्ट हॉरर फिल्म, मेरी हॉरर फिल्म पहली रहेगी ये, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क, दैट्स इट। किरदार तो अभी मैं नहीं बता सकती सीरियसली, बिकॉज बहुत लोग पूछ चुके हैं और बार बार मुझे रिपीट करना पड़ रहा है, आई विल नॉट से एनीथिंग, नहीं बता सकती मैं इसके बारे में, एंड दैट्स इट। आई एम कि मैं इसमें फर्स्ट लीड प्ले कर रही हूँ, अभी तो मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, दैट्स इट, आई एम द फर्स्ट लीड ऑफ द फिल्म, दैट्स इट। थैंक यू। सब्जेक्ट है और संगीत से शुरू होकर हॉरर जॉनर तक ये पहुंचती है, तो कई लेयर्स हैं आपको देखने मिलेंगे, रोना भी है, हंसना भी है, मुस्कुराना भी है, सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इतना कुछ है सर, इतना डर क्या है कि लोग बता? डर है सर, वो तो ऑडियंस आएगी, डरेगी, बताएगी आप लोगों को कि हम डरे कैसे, अब वो तो रिवील नहीं करूँगा। उसके लिए एक साल लगेगा। हाँ बिल्कुल, वेट करिए सर, हमारी ऑडियंस खूबसूरत सी फिल्म देखने के लिए सर एक साल तो आपको वेट करना। कुछ बताएंगे सर? कुछ भी नहीं। जो फिल्म का नेम है, ये नाम से ही आप समझ सकते हैं बहुत ही ज़्यादा म्यूजिकल फिल्म है, और हम अभी तो बस यही कह सकते हैं कि आपको म्यूज़िक सुनने के बाद वो काफ़ी पसंद आएगा। यस, ये तो है फॉर श्योर। आई मीन जैसा कंसेप्ट है ना म्यूज़िक का, और जैसा कंसेप्ट है पूरे फिल्म का या जो भी स्टोरी लाइन अप है फिल्म की, आप उसको जब फिल्म के साथ गाने जब बाहर आएंगे, ऑब्वियसली यू कम टू नो कि गाने कितने हार्ट टचिंग, सोल टचिंग है, और हर कुछ है, मिश्रण हर कुछ का है, फ्रॉम दोज कमर्शियल ट्रैक्स जो डांस नंबर्स हैं, सॉफ्ट रोमांटिक्स एंड रोमांटिक, इससे ज़्यादा मैं आपको लिटरली नहीं बता सकता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि आपको मैं बता पाऊँ सब कुछ, और म्यूज़िक रिलीज पर ऑब्वियसली जब आप लोग हो गए तो कैसी होगी?
यस ऑब्वियसली सी मेहनत है, बहुत मेहनत है. अभी हम स्क्रिप्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, स्क्रिप्ट के लाइनअप पे काम कर रहे हैं कि हम कितना उसमें हॉरर, बिकॉज सी हॉरर इज ऑल अबाउट, हॉरर एंड कॉमेडी इज ऑल अबाउट दी बैकग्राउंड में जो साउंड उससे निकलता है, उसके अलावा कुछ है नहीं. तो हॉरर में जब हमें जब बैकग्राउंड का और बेसिकली जब पूरे टाइटल ट्रैक एंड सारे सॉन्ग का जब पार्ट करना पड़ा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी ऐड करनी पड़ी जो आपको शायद नहीं लगेगी. सो आई विल डेफिनेटली वेट फॉर म्यूजिक रिलीज, और जब भी ये म्यूजिक रिलीज होगा ट्रस्ट मी आप लोगों को बहुत पसंद आएगा. फ्रॉम एवरीथिंग, फ्रॉम दी एवरी सॉन्ग.